जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और बहुत ही आभार है। आज हम बात करने वाले हैं कि चुपचाप अपने घर से यह चीज़ें निकाल दें। अगर आप ये चीज़ें निकाल देंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास, दरिद्रता और अपयश और धन की हानि और ये जितनी भी चीज़ परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो एक नया पॉजिटिविटी आएगा और एक सकारात्मक बदलाव होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा और अंत तक देखें, एक एक बातों को बहुत गंभीरता से समझें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव सकारात्मक होने वाली है। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए कर लें क्योंकि ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा इस वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता है। और दूसरा बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई सा भी एक नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे अच्छा लगे और इस बहाने हम ईश्वर का नाम ले पाएँ। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लें और मुझसे बात आप कर सकते हैं, फ़ीस पे करके बात आप कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर हम, कि हमारे घर में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें हटा देना चाहिए चुपचाप, जिनसे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। दोस्तों, अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहाँ से पूरा आप देखना और एक एक बात को बहुत गंभीरता से समझना और हल्के में बिल्कुल ना लेना। ये जितनी मैं बातें कह रहा हूँ ये भी प्रैक्टिकल बहुत सारे जातकों को बताई, उन्होंने किया, उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे घर में जो भी अनुपयोगी चीज़ें हैं, जिसे हम कबाड़ कहते हैं, जो अनुपयोगी चीज़ें जिनको हम जबरन संभाल के रख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों आप उन पूरे कबाड़ों को जितनी जल्द हो सके अनुपयोगी है उसे बाहर कर दें, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है और वो नकारात्मकता से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, बार बार हमें वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। दूसरी जो बात है वो है, घर में अनुपयोगी बहुत सारी तस्वीरें होती है, हम बहुत सारी तस्वीरें अनुपयोगी घर में लगा लेते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जहाँ बहुत सारी तस्वीरें घर में होती है, तो जितनी भी तस्वीरें उपयोगी हैं वो रखें, बाकी अनुपयोगी तस्वीरों को चुपचाप अपने घर से बाहर कर दें दोस्तों। और मुख्यतः वजह ये है कि हर एक वस्तु का अपना एक ओहरा है, वाइब्रेशन है उसका, और वो वाइब्रेशन जो है हम नेगेटिव और पॉजिटिव हम खुद ऑब्जर्व नहीं कर पा सकते, तो अधिकतर जो नेगेटिव चीज़ें हो जाती है तो इनके वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाते हैं और इस वजह से हमें घर में कई बार हमें खुद को नेगेटिविटी फील होती। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी माहौल बनाने के लिए घर में साफ़ सफाई, कई बार रंग रोगन भी रंग पुताई करें और कई बार कबाड़ को बाहर करें, और जो भी अनुपयोगी चीज़ें उन्हें बिल्कुल जो यूज़लेस है, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें घर में रखकर वजन और नेगेटिविटी ना बढ़ाएं, क्योंकि चलती ही चीज़ें सकारात्मक रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात, अपने मन से ये चीज़ें निकाल दें, अपने मन से ये चीज़ें ज़रूर निकाल दें जो भी नेगेटिविटी है, कि कई बार लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि ऐसा है, ये है, वो है, उन भ्रमों को भी अपने मन से निकाल दें। कुछ नहीं करना है, अपने घर में आपको ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू करते रहें और अपने घर में आप पूजा पाठ तो करते हैं तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। बस सिर्फ बेसिक जो चीज़ें मैंने चुपचाप हटाने के लिए कहा है उन चीज़ों को आप हटा लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी, सकारात्मक रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी विषय को लेकर डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी जितनी भी कबाड़, जितने भी अनुपयोगी चीज़ें हैं ये नेगेटिविटी फैलाते हैं और हम हमारे माहौल को, हमारे घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल रखना चाहते हैं। तो यही एक सरल तरीका, एक आसान तरीका। जय श्री महाकाल।